Hello friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. तो friends, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवाबी पनीर की रेसिपी. देख सकते हैं कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है. एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा आपके घर में और आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है. मेक श्योर ये रेसिपी बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें और इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, लेट्स स्टार्टेड. नवाबी पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है एक नॉन स्टिक कढ़ाई. उसमें ऐड किया है 1 स्पून घी, साथ में ऐड किए हैं कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है 2 तेजपात के पत्ते, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, साथ में थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च. उसके बाद ऐड किया है 1 स्पून जीरा और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी में इन सबका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए. उसके बाद मैंने 6 से 7 लहसुन की कली ली थी, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, थोड़ा सा अदरक लिया था इसको भी चॉप कर लिया था और इसको हल्के हल्के हम कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे. जैसे ही ये हल्का सा फ्राई हो जाए उस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च जो मैंने ली थी 2. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं. जब ये हल्का सा फ्राई हो गया है उस स्टेज पर मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है 4 प्याज जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था. प्याज को आपको बारीक बारीक चॉप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रफली चॉप कर लीजिए. उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड कर दीजिए ताकि प्याज जल्दी से कुक हो जाए. तो अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं. जब हम देखें कि ये हाफ फ्राई हो चुकी है उस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ काजू. मैंने लगभग 10 से 12 पीसेस काजू के 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे. साथ ही मैं 2 स्पून पोषक दाना भिगो कर रख दिया था. तो इन दोनों चीजों को भी आप इसमें ऐड कर दीजिए क्योंकि नवाबी पनीर बना रहे हैं तो कुछ तो खास होना चाहिए. तो इसमें हमने थोड़ा सा शाही टेस्ट लाने के लिए ऐड किया है काजू और पोषक दाना. साथ में ऐड कर दिया है लगभग 2 गोल पानी और इसको हमने ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है. जब तक ये प्याज अच्छे से पक रही है तब तक हम पनीर को पीसेस में कट कर लेते हैं. तो जैसे कि रेस्टोरेंट में थोड़े बड़े पीसेस कट होते हैं, लाइकवाइज हम भी थोड़े बड़े बड़े पीसेस को कट कर लेंगे. अब हमने यहाँ पर लिया है लगभग आधी कटोरी दही. इसको अच्छे से फेंट लेना है. कभी भी दही को डायरेक्टली ऐसे ही ऐड न करें, हमेशा फेंट कर उसको एक क्रीमी टेक्सचर में लाकर तभी ऐड करें. साथ में मैंने ली है यहाँ पर दूध के ऊपर से निकाली हुई मलाई. अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप उसका यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर की निकली हुई मलाई को इस टाइप से फेंट लीजिए. यहाँ पर हमारी प्याज भी अच्छे से कुक हो चुकी है, प्याज सॉफ्ट हो गई है, काजू और पोषक दाना भी सॉफ्ट हो गया है. तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं. जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं. तो पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा घी इस पैन में ऐड किया था. उसके बाद पनीर को अलट पलट करके हल्का सा फ्राई करना है. लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमको इसको कुक कर लेना है. आप देख सकते हैं पनीर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है. इधर हमारा जो ये प्याज थी वो भी ठंडी हो चुकी है. अब हम इसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंड करेंगे. ग्राइंड करने से पहले तेज पत्ता और काली इलायची मैंने निकाल ली है. बाकी सभी खड़े मसाले को इसके साथ ग्राइंड करेंगे. पानी इसमें सफिशियंट है तो ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा पेस्ट आ गया है. अब हम इसको फाइनल टच देने के लिए थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल. उसके बाद जो हमने व्हाइट ग्रेवी बनाई थी उसको इसमें ऐड कर देंगे. बाकी मिक्सिंग जार में जितना भी मटेरियल बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उस मटेरियल को भी इसमें ऐड कर देंगे. अब हमारे पास ये व्हाइट ग्रेवी बिल्कुल रेडी है. व्हाइट ग्रेवी में कभी भी टमाटर नहीं पड़ता है इसलिए हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं किया है. अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे. ग्रेवी का टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत थिक बनी है और बहुत परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है. टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब ये पूरा कुक हो जाता है. तो अब क्योंकि हम व्हाइट ग्रेवी में बना रहे हैं तो टमाटर तो हमने ऐड नहीं किया है इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किया है दही. तो मैंने लगभग 4 से 5 स्पून दही ऐड किया है और दही ऐड करते हुए खास ध्यान आपको ये रखना है कि लगातार इसको चलाते रहें, अदरवाइज दही फट जाता है और फिर आपकी सारी की सारी ग्रेवी खराब हो जाती है. अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे मलाई जो हमने की दूध पर से निकाली थी या फिर आप फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं. 3 से 4 स्पून क्रीम आपने यहाँ पर ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है. अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ शुगर. क्योंकि ये नवाबी पनीर है थोड़ा सा स्वीट टेस्ट इसका होता है इसलिए थोड़ी सी शुगर ऐड की है. सॉल्ट हम स्टार्टिंग में ही ऐड कर चुके हैं. हरी मिर्च हमने ऐड की है, लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे अदरवाइज ग्रेवी का कलर चेंज हो सकता है.
तो बस ये सब चीजें हमने इसमें ऐड करनी थी और यहाँ पर हमारी व्हाइट ग्रेवी बनकर है बिल्कुल रेडी। आप इसको लगातार चलाते रहिए और इसको अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, वाओ इट्स लुकिंग सो ग्रेट, बहुत परफेक्ट टेक्सचर आया है। यहाँ पर आपकी व्हाइट ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं यहाँ पर इस ग्रेवी में ऐड करूंगी पनीर, पनीर जिसको हम पहले ही फ्राई करके रख चुके हैं, देख सकते हैं। पनीर को ऐड करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दीजिए। आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसको ढककर लगभग आपको 5 से 7 मिनट तक पकाना है ताकि पनीर के अंदर सारा फ्लेवर आ जाए इस ग्रेवी का। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आपका नवाबी पनीर बनकर है बिल्कुल रेडी। तो आप इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ, या फिर आप सर्व कर सकते हैं तवा नान के साथ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। प्लीज कमेंट्स एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस टाइप के और भी वीडियोस आपको मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।